नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम श्री गायमुख गुप्त लिंग के दर्शन करने चलेंगे जो इस पहाड़ के नीचे की ओर है, जहाँ पे ये सारा जंगल ही जंगल है। आजू बाजू पूरा एरिया घना जंगल, फॉरेस्ट के बीचों बीच हम इस मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे, ये पार्किंग, और इसके बाद हम सीढ़ियाँ उतरते हुए मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। चलिए मेरे संग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। और मित्रों, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है गायमुख कुंड, जो पहाड़ के नीचे के हिस्से से झरना बहता है। साल के 12 महीने यही स्पीड में रहता है। इस झरने की खासियत यही है कि पानी बड़ा शुद्ध है। इस जल का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, नहाने धोने पीने हर चीज़ का ये भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये झरने का पानी बहता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इस देवस्थान की विशेषता ये है कि ये पूरा नैसर्गिक है, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हर तरफ आप देखिए, झाड़ के बेर उगे हैं और हर तरफ जैसे नेचुरल रहना है उसी प्रकार से रखा गया है। पानी सदैव बहते रहता है, काफ़ी मीठा पानी। इस झरने की विशेषता, ऐसी मान्यता है कि ये झरने का पानी पीने से बहुत से शरीर के रोग मिटते हैं, इसलिए कई भक्त लोग इस पानी को ले जाते हैं, पीते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, भगवान शिवलिंग की पूजा होती है, ऊपर की तरफ मंदिर है, नीचे झरना बहते रहता है। इसे गुप्त लिंगेश्वर देवस्थान भी कहते हैं, जो अंदर भगवान का लिंग है, जो वहाँ से पानी आते रहता है, सतैव बहता रहता है पानी, और बहते बहते इस तरफ इस हाउस में आता है, और इस हाउस से नीचे की ओर से झरना होते हुए ये घने जंगलों में चला जाता है। इस झरने की विशेषता, चारों तरफ जंगली जंगल, नैसर्गिक वातावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट, सदैव पानी बहता रहता है। और यहाँ पे कुछ भक्तगण पुजारी लोग दोपहर के वक्त में पूजा होने के बाद थोड़ा सा अन्नदान वितरण करते हैं, दाल चावल भक्तों आते हैं, जिस वक्त आरती होती है उस वक्त खाने को वगैरह भी देते हैं इस देवस्थान में। नेचुरल देखिए, सुनहरा एकदम सुहाना मौसम। दोस्तों, अगर आपको मेरे कार्यक्रम अच्छे लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।